गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेज। बेटा, हमने डिफरेंशिएशन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा, रैशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसपे पहले हम ये जानेंगे कि फंक्शन ऐसा कौन सा है कि जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो कहता है y बिकम एफ एक्स, इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा, क्या है ये, ए रे टू पावर x, वेयर a के बारे में कह रहा है a ग्रेटर देन जीरो, a कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आप ये जो रहेगा, ये ना तो आपका क्या रहेगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक्स को रखा वन, ठीक है, तो यहां पे या एक फंक्शन हम एक्स टाइप का लें तो वाई बराबर बना ए रे टू पावर वन, दैट मीन्स ए बन गया। x को लिया 2 तो y बिकम a रे टू पावर 2, a स्क्वायर बन गया। अगर x को 3 लिया तो y बिकम a रे टू पावर 3, x को हमने 4 लिया तो y बिकम a रे टू पावर 4। क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। अगर सपोज करो, लेट अस कंसीडर, अगर हमने x a को कंसीडर कर लिया, लेट इट बी 2, तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2 रे टू पावर 1, 2 बना, y 2 रे टू पावर 2, 4 आएगा, y 2 रे टू पावर 3, 8 आएगा, y 2 रे टू पावर 4, 16। तो ये जो टाइप के फंक्शन बन रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, आप किसको इंक्रीज कर रहे हो, आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को। x को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, इस तरीके से y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x तो हम स्मॉल स्मॉल इंक्रीज कर रहे हैं, बट y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज इनका लार्जर होता जा रहा है। जैसे पहले 2 आया, उसके बाद 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम x को चेंज करेंगे तो जो a की वैल्यू है या y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लार्जर चेंज होगी। तो इस तरीके से जो फंक्शन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा, हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया a को 2, a ग्रेटर देन हमने क्या लिया, 1 लिया, फॉर a ग्रेटर देन 1 हमने मान लिया भाई हम 2 लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन बना एफ ओ एक्स वो क्या बना, 2 रे टू पावर एक्स बन गया। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं किस तरीके से, क्या ग्राफ आएगा, ध्यान से समझना इसको, एक्स वाई वाई डैश। अगर हमने यहाँ पे एक्स को यहाँ पे रखा भाई 1, 2, 3, तो वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले आपने x को क्या रखा, 1 रखा, तो हमारा रिजल्ट आया 2। अगर हमने 2 रखा तो हमारा रिजल्ट क्या बना, 2 की पावर 2, 4। x को हमने रखा 1 तो y बना 2 रे टू पावर 1, 2। x को रखा 2 तो y बना 2 रे टू पावर 2, 4। तो 4 हमारा कहां पे है, ये रहा। फिर हमने x को 3 लिया तो y की वैल्यू कहां पे जाएगी, व्हेनेवर x 3 y बिकम 8, 2 रे टू पावर 3 8 होगा, 3 पे कितना आ गया हमारे पास, 8, ठीक है। तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, याद रखना, ये कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो के पास में जाएगा बट जीरो नहीं होगा।
वाई की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अगर हमने लिया a लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, इस केस में, इस केस में अगर हम लेते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या बनता है, हमने फंक्शन में लेके चलते हैं इसमें, लेट अस कंसीडर f ऑफ x, a की वैल्यू हमें क्या लेनी है, जीरो से वन की, लेट इट विल बी वन बाई टू ले लिया हमने, तो वन बाई टू ले हमने, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख के देखते हैं कि फंक्शन किस तरीके से चेंज करेगा, अगर हमने x को लिया वन तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या बना आपका, आपने लिया तो y की वैल्यू क्या चेंज होके आई, वन बाई टू रेट टू पावर वन हाफ आ गया। अगर x को लिया हमने जीरो तो y की वैल्यू क्या बनी, वन बाई टू रेट टू पावर वन, तो आपका आंसर क्या बन गया, सॉरी वन बाई टू रेट टू पावर जीरो वन। अगर x को लिया माइनस वन तो y बराबर वन बाई टू रेट टू पावर माइनस वन, इसको आप क्या लिखोगे, ये आएगी वैल्यू टू, जो नीचे ले जाएंगे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वन ओवर वन बाई टू की पावर पॉजिटिव वन बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा टू। एक्स को हमने लिया माइनस टू तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, वन बाई टू रेट टू पावर माइनस टू, तो यहां से वन बाई टू की पावर टू फोर, तो यहां से वैल्यू आई फोर। अगर एक्स को माइनस थ्री लिया तो वाई की वैल्यू क्या बनी आपके पास, इस तरीके से ये वैल्यू एट आएगी। अब इसका ग्राफ और इनका ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ और बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आने वाला है बेटा। हमने रखा है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्या लिखा हुआ है, माइनस थ्री पे वाई की वैल्यू एट, तो लगभग यहाँ पे आया। दूसरा क्या बना, आपने माइनस टू लिया तो रिजल्ट बना फोर, आपने लिया माइनस वन तो रिजल्ट आया टू, आपने लिया जीरो तो वन पे आ गया भाई, इस तरीके से। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होती चली जाएगी। आप देखो, ये हम कह सकते हैं कि इसकी क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, एक दूसरे की इमेज है, मिरर इमेज बोल सकते हैं। तो ध्यान से रखना, इसका जो ग्राफ बनेगा इस वाले का वो तो ये बनेगा, और इसका ग्राफ क्या आएगा ये। हमने क्या किया है, ए को ग्रेटर देन वन लिया तो वन से बड़ा नंबर टू लिया, और ए क्या लिखा, जीरो से वन के बीच में हमने वन बाई टू ले लिया, या वन बाई थ्री ले लो, वन बाई फोर ले लो, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके ग्राफ। अब जो फंक्शन होगा, नाउ द फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और आपके पास एक्स कुछ भी हो सकता है, बट फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो। ठीक है भाई, जीरो से बड़ा जीरो की तरफ अप्रोच होगा बट जीरो पर नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनका डिफरेंशिएशन बेटा, फिर हम चलेंगे कौन सा आपका नेक्स्ट होगा आपका लॉगरिथमिक, उससे पहले हम डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंशियल का। इसमें एक आता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स, हमने अभी पढ़ा ए रेट टू पावर एक्स, अगर हम इस ए को लेट इट विल बी ई के इक्वल मान लें, या ई, और ये ई क्या होता है, एल एस फंक्शन, क्या होता है, एल एस फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो ई होगा वो रहेगा एल एस नंबर होगा, एक्चुअली नॉट फंक्शन, इट इज एल एस नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है ई की वो हो जाती है 2.718 समथिंग होता है। ठीक है, 218 इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। अगर ये ए, इसको स्पेशल फंक्शन क्या बोला गया, नंबर, इसका नंबर का नाम बोला गया एलएस नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट किया गया ई से, तो जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एक्स ई रे टू पावर एक्स, और इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला गया इसका नाम,
नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होगा बेटा। अब हम इसके कुछ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं भाई, इनके डिफरेंशिएशन किस तरीके से हमें करने हैं वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स और यहां हमने लिख लिया ई रेज़ टू पावर एक्स, दोनों के डेरिवेटिव पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं भाई, हमें बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू बन के आती है उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब अगर हमने यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, तो फंक्शन ए की पावर एक्स है, इसको हम चेंज कर देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या होगा x प्लस एच आएगा, तो यहां x की जगह x प्लस एच ए की पावर x प्लस एच माइनस क्या होगा ए रे टू पावर x डिवाइड बाय एच ये बनेगा भाई। तो अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे रखा ए रे टू पावर x और ए रे टू पावर h माइनस ए रे टू पावर x डिवाइड बाय एच, इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से, इसमें से कॉमन आ रहा है ए रे टू पावर x क्योंकि लिमिट चल रही है h में h टेंस टू जीरो, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट का काम करेगा, यहाँ पे हमें h वाली टर्म्स रखनी है a रे टू पावर h माइनस एच। और बेटा ध्यान रखना इसका जो बनेगा f डैश x जो बन के आ रहा है वो क्या बनेगा, यहाँ से वो बनेगा आपके पास a रे टू पावर x इंटू वन, तो ये बना a रे टू पावर x, ठीक है। और ये जो वैल्यू बन के आएगी कौन सी, ये वाली, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं याद रखना इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए रे टू पावर एच माइनस वन ओवर एच, ये होता है लॉग ए, तो यहां पे इस सॉरी वन लिख दिया हमने, यहां पे क्या आने वाला है लॉग ऑफ ए, तो आपका आंसर आ गया ए टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। तो याद रखना इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी ओवर डी एक्स किसका, ए टू पावर एक्स का, कैसे लिखेंगे ए टू पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग ए, ये लिखेंगे हम, ठीक है। आगे इसका एक तरीका और बताऊंगा सोल्व करने का किस तरीके से आएगा। सेम वे अगर हमने यहां पे x की जगह e लिया इसका डेरिवेटिव, तो यहां पे हर जगह जहां पे a था वहां पे e रख देना, क्या रखोगे e, अगर हमने ये वाला लिया है तो इसका, तो उससे क्या चेंजेस होगा ध्यान से देखिएगा, यहां e यहां e यहां पे भी e आएगा, यहाँ पे e रे टू पावर x यहाँ पे e आएगा और यहाँ पे e रे टू पावर x बन जाएगा, यहाँ पे log e और आपको पता है log e की वैल्यू होती है वन, तो इसको आप लिख दोगे e रे टू पावर x इंटू वन, तो आपका रिजल्ट रहेगा e रे टू पावर x, ठीक है। ये आपके पास तो हमने दो फॉर्मूले यहां से सीख लिए हैं जिनके डिफरेंशिएशन कौन कौन से हैं, दो, एक तो है ए की एक्स का डेरिवेटिव ए की एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई की एक्स रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखो बेटा नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा पहले ये नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो इसको हम जानते हैं कि एक्चुअली ये ड्राइव किया जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या हम ये कहें इट इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका क्या होगा ये रिवर्स या उसका इनवर्स बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन को हम ड्राइव करेंगे, जैसे हम कुछ लेके चलते हैं रिजल्ट, आपने देखा होगा किस तरीके से, जैसे 2 रे टू पावर 2 को क्या लिखते हो आप 4, 2 रे टू पावर 3 को क्या लिखते हो आप 8,
टू रेड टू पावर फोर को क्या लिखते हो, 16, इस तरीके से हमने लिखा है। तो कहते हैं अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो इसको, तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है एज ए लॉग की फॉर्म में, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म बन रही है ये तो यही बन रही है, ए की पावर एक्स बिकम बी, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएं तो ये लिखा जाएगा, इसको कन्वर्ट करते हैं तो लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, इसको बेटा इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, ये मालूम होनी चाहिए आपको। अगर ये ए की पावर एक्स बी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज लोगो बी टू द बेस ए रिटर्न एज एक्स। तो अगर इस फॉर्म को मैं लिखना चाहूं सेम इसी तरीके से, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, लोग क्या लिखूंगा मैं, बी, बी की जगह क्या है फोर इज इक्वल्स टू, और इसका बेस क्या रहेगा ए, ए की वैल्यू टू, टू द बेस टू इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अब जैसे यहां पे है, इसमें लिखना चाहे तो हम लोग ए टू द बेस टू, आपका आंसर क्या आएगा थ्री, इसको लिखना चाहे तो इसी तरीके से log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। सो एक्चुअली क्या बना, ये आपके पास सेम उसी तरीके से बनेंगे, ये आपके ये वाली फॉर्म जो a की x है, इस तरीके से अगर फंक्शन की बात करें, ये वाला आपके पास फंक्शन था, ये था आपका एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल से ही हमारे पास क्या होता है बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम ड्राइव करते हैं। तो ये याद रखना, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक की, वो प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ेंगे हम, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या कुछ होता है ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर जो हमारे पास, सबसे पहले तो ये जानो कि ये क्या होता है बेस, इसको हम क्या बोलते हैं बेस, किसको, ए, ए को बेस बोला जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू, फिर वही बात है भाई, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ए कैन नॉट बी वन एंड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये याद रखना इसको। अब जब हम इनको लेके चलेंगे भाई, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, वन नहीं होनी चाहिए, अब वन नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा, वन से बड़ा नंबर ले लेंगे हम, तो ए को हमने ले लिया, लेट इट बी टू, टू लिया तो हमने अभी सोल्व किया था क्या, टू रेड टू पावर थ्री हमारा एट बना था, टू रेड टू पावर फोर हमारा 16 बना था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में, ठीक है, तो ये आ गया। अगर हमने कहा कि जीरो से और इनके बीच में लेके चले, तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया कि ए लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, तो ए की वैल्यू हमने ली वन बाई टू, ए की वैल्यू हमने ली 1/3, ए की वैल्यू ली हमने 1/4, ठीक है, इनको यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके फंक्शन चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है भाई। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसकी, लॉग की, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है टेंथ के अंदर, अब हम कुछ एक प्रॉपर्टी है, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जब तक कि जैसे ये बेस दिखाई दे रहा है आपको, अगर यहाँ पे बेस नहीं दिखाई दे तो उसको ऑलवेज क्या कंसीडर करोगे, ई, क्या लोगे, ई। एनसीईआरटी हमेशा जब लिखती है तो थ्रॉट 10+2 के अंदर मैथमेटिक्स में इसको बेस क्या कंसीडर किया जाएगा, ई, और इसका एम इंटू एन वाला फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये याद रखना, ये फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। और फॉर्मूले क्या होते हैं देखिए ध्यान से, इसको कैसे लिखा गया है, इस वाले रिजल्ट्स को, पहला रिजल्ट था ये लॉग एम इंटू एन वाली फॉर्म का था, ठीक है। अब इसके अलावा जो सेकंड होता है वो क्या रहेगा आपके पास, लोग ए टू द बेस ए,
ये आएगा वन। कैसे जानेंगे? क्योंकि एक रिजल्ट और है हमारे पास इस वाली प्रॉपर्टी से हुआ है, लॉग ए टू द बेस बी, हम लिखते हैं इसको लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ बी। तो इसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं हम, तो इसको लिखेंगे लॉग ए टू द बेस, क्या था ए, तो लॉग ए बाई ए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन, लॉग आपके पास आ जाए मान लीजिए एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग वाई टू द बेस एक्स, सॉरी y टू द बेस a, इन दोनों में बेस अगर सेम है तो वो ये कह सकता है x इज इक्वल्स टू y, x और y क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है भाई। इस चीज को हमें ध्यान में रखना, कुछ प्रॉपर्टीज थी इसका। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं कि भाई लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरीके से करेंगे। जैसे पहला आता है एफ ऑफ एक्स log ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका डिफरेंशिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हमें क्या करना है, कैलकुलेट डी ओवर डी एक्स log एक्स टू द बेस ए, इसको हमें पढ़ना है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो log एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स हमने लिखा, इसका मतलब बेस क्या है इसका ई, तो ये आता है वन बाई एक्स, क्या होता है लॉग एक्स का वन बाई एक्स डेरिवेटिव, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, पहले एक मिनट पहले इसी पे चलते हैं, फिर इस पे आएंगे वापस। पहले आप इस पे चलो, लॉग का डेरिवेटिव वन बाई एक्स कैसे होता है। सो वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, और बाई डेफिनेशन क्या लिखा हमने, एफ डैश एक्स बिकम इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। ये अगर हम अप्लाई करते हैं इस वाले में, तो यहां से बना लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से रिजल्ट आया लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स ओवर एच, ये रिजल्ट बन गया, सॉरी हमारा, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमारा बना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी रहेगी वो m बाई n, वो होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम इस वाली में ऊपर जो न्यूमिनेटर में दिखाई दे रहा है इसको हम लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो लॉग m, एम है एक्स प्लस एच और एन की जगह एक्स है, नीचे एन है, सॉरी एच है। अब इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं हम, तो क्या बना लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग एक्स बाई एक्स वन प्लस एच ओवर एक्स डिवाइड बाई एच। अब एक काम करना है आपको, एच बाई एक्स बनाना है तो एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि लिमिट एच पे चल रही है तो ये वाला तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो वन ओवर एक्स बाहर आ गया और लिमिट क्या रहा एच टेंस टू जीरो, ये बन गया लॉग वन प्लस एक्स प्लस बाई एच, सॉरी एच बाई एक्स। डिवाइड बाई एच बाई एक्स, ये हमें ध्यान रखना है। अगर देखो ध्यान से, एच अगर टेंस टू जीरो हो रहा है सो एच ओवर एक्स आल्सो किसको टेंड करेगा, जीरो। तो यहां पे एच टेंस टू जीरो की बजाय आप एच बाई एक्स टेंस टू जीरो कर लो, जैसे ये करोगे इसकी वैल्यू बनेगी वन, आपके पास आंसर आया वन बाई एक्स। तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो क्या आता है, वन बाई एक्स आता है बेटा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या बना आपके पास, वन बाई एक्स बन गया। अब जो हम चल रहे थे क्वेश्चन में, वापिस आते हैं, ये तो हो गया लॉग का। अब अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है वहां पे,
अभी जो क्वेश्चन हम चल रहे थे तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ए, अब तक तो ई था, अब बेस ए बन गया। तो कहते हैं इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, किसका चाहिए, तो इसको आप लिखोगे लोग एक्स टू द बेस ए, और अगर सिंप्लीफाई करो तो इसको आप लिख सकते हो डी ओवर डी एक्स लोग ऑफ एक्स डिवाइड बाई लोग ऑफ ए, लिख सकते हो। प्रॉपर्टी कौन सी थी, लोग ये वाली यूज करना ए टू द बेस बी, तो इसको आप लिखोगे लोग ए डिवाइड बाई लोग बी। तो यहां पे देखो लोग ए तो कॉन्स्टेंट है तो इसको तो बाहर लिख लेंगे वन बाई लोग ए। डेरिवेटिव किसका बचा अभी, लोग एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बेस ई है, तो इसको अभी कुछ देर पहले हमने ड्राइव किया था, ये बना लोग ऑफ ए इंटू वन बाई एक्स, तो आपका क्या बना एक्स लोग ए, ये याद रखना है इसका, क्या बनेगा एक्स लोग ए। ठीक है, ये हो गया आपके सारे। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ लोग का, ये मोड एक्स डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लोग मोड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है। ठीक है, सो रूल क्या कहता है, वन बाई मोड एक्स लोग के अकॉर्डिंग हो गया इनटू डेरिवेटिव किसका रह गया मोड एक्स, सो इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग, ये होगा बेटा देखो ध्यान से, इसका ये कैसे बना, क्योंकि log x का क्या होता है वन बाई एक्स, और mod x का डेरिवेटिव ये बनेगा, क्यों बनेगा, अगर यहां पर जैसे सपोज करो x की वैल्यू आई माइनस वन और हमने लिखा log mod ऑफ माइनस वन, ठीक है, या इसमें माइनस वन का डेरिवेटिव, तो इसके अंदर वैल्यू क्या बन के आएगी यहाँ पे, अच्छा, वन बाई वन, ठीक है, एक्स की वैल्यू, बेटा यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन लोग वाली प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा फिर वो, ठीक है ना, इसलिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एक्स बाई मोड ऑफ एक्स का स्केयर, तो एक्स बाई मोड ऑफ एक्स का स्केयर है तो इसको आप एक्स स्केयर लिख सकते हो, तो ये रिजल्ट आएगा वन बाई एक्स। ध्यान रखना बात वही है, मोड एक्स का भी क्या होगा वन बाई एक्स ही है आएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, अगर यहां बेस ए हो जाए, क्या हो जाए बेस ए, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज यहां पे कर लेंगे हम, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा कि लोग मोड एक्स बाई लोग ऑफ ए डिवाइड बाय लोग ए, तो इनके साथ सबके साथ आपको क्या करना होगा वन ओवर लोग ए को डिवाइड करके लिख देना वन ओवर लोग ए, और इसके साथ क्या आएगा वन ओवर लोग ए, इसके साथ भी क्या आएगा वन ओवर लोग ए, बस ये चेंज होगा बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले। मैं ये सारे फॉर्मूले अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने फॉर्मूला जो लर्न करना है डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए रे टू पावर एक्स, क्या करोगे ए रे टू पावर एक्स इंटू लोग ऑफ ए, ठीक है, उसमें हमने सेट डिवाइड कर दिया था, दोबारा देखना इसको, डी ओवर डी एक्स क्या था मोड लोग मोड एक्स था टू द बेस ए था, ध्यान से देखो इसको, इसमें करेक्शन थी बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा बेस ए था फिर ठीक है आपका, फिर आपका राइट है, क्योंकि हमने ये बेस ए था बिल्कुल सही था, इसमें हमें क्या करना है लोग मोड एक्स बाई लोग ए प्रॉपर्टी के रूप में, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला वन बाई लोग ए तो कॉन्स्टेंट रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा लोग मोड एक्स का, आपको पता है ये वाला लोग ए रहेगा,
इंटू वन बाई एक्स, तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा एक्स लोग ऑफ ए। सही है आपका, कोई प्रॉपर्टी कोई मिस्टेक नहीं थी, एक्चुअली सही था। पहली तो ये रिजल्ट हमने पढ़ा, दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा इसी के अंदर, वो क्या था, वो ये था डेरिवेटिव ऑफ ई रेट टू पावर एक्स, तो ये रहेगा ई रेट टू पावर एक्स। थर्ड वन इसी के अंदर अगर हमने ये कहा जाए ई रेट टू पावर एम एक्स का करो, तो आप क्या करोगे ई की पावर एम एक्स, और फिर हमें एम एक्स का डेरिवेटिव करना है, वो की क्या आएगा एम। फोर्थ वन डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स आपने अभी पढ़ा क्या होता है, वन बाई एक्स। और फिफ्थ वन डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स टू द बेस ए, तो यहां पढ़ा हमने लोग ऑफ ए इंटू वन बाई एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो बेटा 5.4 एक्सरसाइज है, पहला सम है और दूसरा सम। पहला सम कैसे करना है, फॉर्मूला याद ही हमें, इसका डेरिवेटिव हमें बनाना है। तो यू बाई वी फॉर्म लगी हुई है, और यू बाई वी फॉर्म क्या कहती है, डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, स्क्वेयर करना है। डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव किसका करना है, न्यूमिनेटर का, जो कि लिखा हुआ है e की पावर x माइनस e रेट टू पावर x एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर जो कि क्या था साइन x, बस ये वर्क हमें करना था। सो यहां से बना साइन x, e रेट टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेट टू पावर x होता है, माइनस e रेट टू पावर x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x ओवर साइन स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, e रेट टू पावर x को कॉमन ले लो, क्या बना साइन x माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर x। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इनको डिवाइड भी कर सकते हो आप इससे, कि इससे आप डिवाइड करके इसको लिख सकते हो, बाकी आपका रिजल्ट यहां तक आ गया। सेकंड में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ e रेट टू पावर साइन इनवर्स, तो अभी आपको बताया गया सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा, तो डेरिवेटिव e की साइन इनवर्स का, e की साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, बस ये याद रखना है आपको भाई। अभी हमने पढ़ा e रेट टू पावर x का क्या होता है, तो आप कहते हो e की पावर x, e की पावर x, तो यहां पे भी e की जो भी पावर है उसका तो सेम रहेगा, बट फिर हम इसका करेंगे इंटू डेरिवेटिव x का, x के रेस्पेक्ट में वन हो जाता है, तो यहां पे साइन इनवर्स का करना हमें। तो ध्यान से देखिए, e रेट टू पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन का वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था, तो ये बन गया e रेट टू पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, सेकेंड कंप्लीट हो गया। देखो बेटा कैसे करना है हमें, सबसे पहले ये वाला क्या लिखा हुआ है, e रेट टू पावर एक्स क्यूब, तो कैसे करेंगे, e की एक्स क्यूब का क्या रहेगा, e की एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पे रहेगा e रेट टू पावर एक्स क्यूब इंटू, इसका बनेगा थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर e एक्स क्यूब, आपका आंसर आ गया। इसमें हमें करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले साइन, साइन का क्या होगा कोस, ठीक है, फिर जो भी एंगल है उसको आप एलपी रख दो, किसका डेरिवेटिव बचा इनटू, ये बच गया हमारे पास टेन इनवर्स ई रेट टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बाकी है अभी, तो यहां पे लिखो कोस टेन इनवर्स ई रेट टू पावर माइनस एक्स इनटू, अभी टेन इनवर्स का क्या होता है वन ओवर वन प्लस जो भी एंगल, सॉरी ये है इसका स्क्वायर एंगल, अभी क्या बचा है डेरिवेटिव ऑफ ई रेट टू पावर माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस ई रेट टू पावर माइनस टू एक्स बन जाएगा, और e की x का डेरिवेटिव e की x का e की x इंटू माइनस वन किसका माइनस x का, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, ये वाली मल्टीप्लाई आगे करके लिख दो,
आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको करना है। देखो बेटा ध्यान से, फिफ्थ वन है लोग, एंगल है cos eqx, तो इसका डिफरेंशिएशन लोग का, सबसे पहले लोग ये फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड पे cos का, थर्ड पे eqx का। तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लोग का होता है 1/1, तो ये बनेगा cos e टू पावर x। फिर डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ हमें किसका करना होगा, cos e टू पावर x का डिफरेंशिएशन। तो 1/ cos e टू पावर x इनटू cos का क्या होगा, माइनस sin e टू पावर x, और अभी साइन का करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ e रे टू पावर एक्स बाकी रहा। साइन बाय कोस आप लिख सकते हो 10, तो माइनस 10 रे और e रे टू पावर एक्स, और इसका क्या होगा e की एक्स का, ये कभी एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, ये रखना है e रे टू पावर एक्स टेंजेंट ऑफ e रे टू पावर एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमें इस पे चलना है, तो इसमें सेम आपको करना है, कुछ भी नया काम नहीं करना हमें। d ओवर डी एक्स सबसे पहले ई एक्स प्लस d ओवर डी एक्स इरे टू पावर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से d ओवर डी एक्स इरे टू पावर एक्स फाइव। देखो यहाँ पे सबसे पहले e की x का, तो e की x होगा, e की एक्स स्क्वायर का e की एक्स स्क्वायर बनेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से e की x की पावर 5 का e की x की 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 5, ये याद रखना है हमें समय। तो ये बना e की x प्लस e टू पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, प्लस ये बना e की x की 5, इसका डेरिवेटिव 5x की 4, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और देखिए आगे आपके, देखो बेटा 7 सम क्या कह रहा है, डेरिवेटिव सबसे पहले इसमें देखो ध्यान से, इसको आप यू लिख लेना डी ओवर डी एक्स ई रूट एक्स और इसकी होल पावर 1/2, और आप पहले पावर के अकॉर्डिंग करो फिर फंक्शन। तो यहां से आएगा 1/2 ई रूट एक्स, इसकी पावर क्या होगी 1/2 माइनस 1, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर रूट एक्स, ये बाकी अभी। तो इसको देखो 1/2 माइनस हाफ, तो क्या रहेगा माइनस का हाफ, इसको पॉजिटिव बना लेते हम 1/2, आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे, इनटू इसका क्या होगा e रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स, और फिर हमें क्या करना है लास्ट में रूट एक्स को भी सोल्व करना है। तो यहां से ये बना e टू पावर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ e रूट एक्स। अभी रूट एक्स का क्या होता है आपको पता है, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई रूट एक्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स, 2 × 2 = 4, ये बना रूट एक्स और ये बन गया ई रूट टू पावर रूट एक्स, आप इसको सॉल्व। अच्छा और ध्यान से देखो, यहां पावर कितनी है इसकी टोटल 1, और यहां पे क्या दिखाई दे रही है इसकी टोटल पावर हाफ, तो ऊपर स्क्वायर रूट लग सकता है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करो, तो आप यू लिख सकते हो रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स रूट एक्स, आप इसको यू भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर अब हमारा है 8th सम, बहुत सिंपल है, क्या है log ऑफ एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 1, डेरिवेटिव फर्स्ट इसका सेकंड इसका, पहले वाले log का करोगे तो क्या आएगा 1/log x, फिर डेरिवेटिव किसका बचा log x का, तो ये बना 1/log x, ये तो log की प्रॉपर्टी थी, इस log का डेरिवेटिव जो भी एंगल है वो आने वाला है यहाँ पे, अब इसका 1/x, तो आपके पास बन गया 1/x log x, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा भाई, सिंपल है बस। देखो बेटा ध्यान से, ये है आपका 9th सम, वो है 10, इसमें u by v फॉर्म लगा दो, क्या करोगे log x होल स्क्वायर, log ऑफ x को आपको रखना है एलटीज, क्या करोगे log ऑफ x को एलटीज, डेरिवेटिव cos, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, माइनस अब की बार cos x को एलटीज रख दो भाई, डेरिवेटिव किसका करेंगे डिनोमिनेटर log x का क्या होता है 1/x, बस
अब इसको लिखो माइनस साइन एक्स लोग एक्स माइनस यहां पे बन गया कोस एक्स बाई एक्स, और सबके नीचे लिखा हुआ है लोग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इधर आप एलसीएम ले सकते हो क्योंकि इसके नीचे क्या है वन, इधर एक्स है, तो आपने एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ऊपर माइनस साइन एक्स लोग एक्स, और यहां से आ जाएगा माइनस कोस एक्स, और जो एलसीएम आएगा वो नीचे इसके साथ लिखा जाएगा लोग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। माइनस भी कॉमन लेना चाहते हो तो बाहर नेगेटिव रख सकते हो आप, तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा माइनस साइन लोग एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स टाइम्स लोग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। टेंथ सम है, लास्ट है, सबसे पहले कोस का, फिर इन दोनों का होगा सेकंड नंबर में। तो सबसे पहले कोस, कोस का होगा माइनस साइन, एंगल क्या है इसका लोग एक्स प्लस इन ए टू पावर एक्स, ये तो हो गया कोस का डेरिवेटिव। इनटू डेरिवेटिव किसका बचा है, अभी अभी बचा है हमारे पास लोग एक्स प्लस इन ए टू पावर एक्स, तो आप लिखे माइनस साइन लोग ऑफ एक्स प्लस इन ए टू पावर एक्स, इसका एक ही एक्स नहीं एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव लोग का वन बाई एक्स प्लस इन ए टू पावर एक्स का इन ए टू पावर एक्स, ये यहां पे बच गए। आप इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, तो यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एक्स, तो यहां पे आपने रखा एक्स, तो ये बना वन प्लस एक्स ई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन लोग एक्स प्लस ई की एक्स से, ठीक है, सोल्व करके लिख देना आपका रिजल्ट आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.14 कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, इसको अच्छे से केयर करना है, नोटबुक प्रिपेयर करनी है बेटा आपको।